मीठा मदीना दूर है, जाना में जरूर है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। हमारा नाम है मुस्तकीम, इसका भाई का नाम है अनीस, इसका नाम है साकिब और चैनल का नाम है मेरे दोस्तों अमसवीर। तो प्यारे दोस्तों, सिहाब चित्तूर को लेकर बात करेंगे। सिहाब भाई की लाइव लोकेशन क्या है, सिहाब भाई ने ईरान के अंदर कितना सफर मुकम्मल कर लिया है और सिहाब भाई इराक में कब तक पहुंचेंगे और सिहाब भाई के पास इराक का वीजा है या नहीं है, दोस्तों इन सब पर बात होगी। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो मेरे दोस्तों, अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, जब तक सिहाब भाई 2023 का हज नहीं कर लेंगे, इंशाल्लाह हम अपडेट देते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल सब्सक्राइब आपने करना है, ये जो नीचे बटन है इसको दबाना है, एक साइड में घंटा है, घंटे को भी दबाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारे सिहाब भाई ने ईरान के अंदर जो है 22 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तो दोस्तों, 22 दिन के अंदर सिहाब भाई ने काफी लंबा सफर तय किया मेरे दोस्तों, और अकेले किया दोस्तों, ना तो कोई साथ में दोस्त था, ना टीम थी, ना कोई बंदा था, सिर्फ अकेले ही हमारे सिहाब भाई तेहरान जो एयरपोर्ट है यानी वहां से स्टार्टिंग हुए थे दोस्तों। और दोस्तों, आप सबकी दुआ से जो है आज सिहाब भाई का सफर जो है मेरे दोस्तों, यानी कल तक 28 फरवरी तक शाम तक जो है 230 किलोमीटर का सफर ईरान के अंदर बाकी रह चुका था दोस्तों। और आज हम वीडियो बना रहे तकरीबन 3:25 यानी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, 3:25 तक भी हमारे सिहाब भाई ने 15-20 किलोमीटर का सफर जो है मुकम्मल कर लिया है, यानी 230 किलोमीटर में। तय पर अगर हम 15 किलोमीटर घटावे तो कितना बचेगा, 215 किलोमीटर का सफर अभी ईरान का बाकी है मेरे दोस्तों। सफर जारी है यानी अब भी सिहाब भाई यानी शाम तक जो है देखते हैं कब तक जो है सफर होता है दोस्तों। तो यानी इब तक जो है 215 किलोमीटर का सफर रह चुका है, उसके बाद हमारे सिहाब भाई इराक में एंटर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, बात करते हैं सिहाब भाई के पास इराक का वीजा है या नहीं है, या कुवैत का वीजा है या नहीं है। तो मेरे दोस्तों, सिहाब भाई के पास अभी इराक का वीजा नहीं है, ना ही कुवैत का वीजा है। तो मेरे दोस्तों, जो हमने पता लगाया है, हमें हमारी जानकारी में है, सिहाब भाई को इराक का वीजा आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है कुवैत के वीजे की। तो मेरे दोस्तों, कुवैत जो है अभी पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग आते हैं और जो यानी जो टूरिस्ट हैं, तो वीजा नहीं मिल रहा, अभी बैन है कुवैत के अंदर। तो दोस्तों, वो बाद की बात है, देखते हैं जब तक क्या होता है। लेकिन सिहाब भाई को इराक का वीजा आज कल के अंदर जो है, आज कल या परसों तक जो है मिल जाएगा, यानी सिहाब भाई को रुकना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि 220 किलोमीटर के करीब सफर अभी बाकी है, तब तक जो है इराक का वीजा मिल जाएगा आप सबकी दुआ से। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं हम, सिहाब भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें दोस्तों, क्योंकि रमजान का महीना आने वाला है दोस्तों, और उसमें सिहाब भाई को रोजे भी रखने हैं और सिहाब भाई को सफर भी करना है। और खास बात यह कि तनहा है, कोई साथ नहीं, टीम नहीं, मेंबर नहीं, भाई नहीं, कोई साथ नहीं मेरे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, दिल से जो है आप सिहाब भाई के लिए दुआ करें। अब बात करते हैं अनीस भाई। अनीस भाई, सिहाब भाई को लेकर कुछ दो शब्द बोल दो। चल, सिहाब भाई बहुत अच्छे से सफर कर रहे हैं भाई, हम सब दुआ करेंगे उसके लिए, अल्लाह में उसका सफर पूरा करे। आप भी दुआ कीजिए, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल जरूर रखे। अपनों का भी ख्याल रखे। नशा खोरी से दूर रहे।